क्या बात है सर, क्या बात है सर। अरे बाबा हैकर, हैकर। कौन छोटा हो रहा, कहाँ चुप कर रहे हो? मजा आया। तो हेलो भाई लोग, कैसे हो आप सभी? होप करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और आगे भी अच्छे रहेंगे। तो भाई आज की वीडियो का थंबनेल और टाइटल आप लोगों ने देख लिया, तो आज की इस वीडियो में बात करने वाला हूँ सीक्रेट डिजिट ईगल वन टैप शॉट ट्रिक के बारे में बात। तो भाई देखो, जब आप लोग डिजिट ईगल गन का यूज करते हो तो उस टाइम पे आप लोगों के सामने कुछ प्रॉब्लम आती है, जैसे आप लोगों की गन बहुत ज्यादा रिकॉल खाती है, आप लोग का जो एम है वो बंदे के हेड पर लॉक नहीं हो पाता है, या फिर आप लोगों की जो मूवमेंट स्पीड प्लस वन टैप आप लोग ना तो मूवमेंट कर पाते हो ना ही इजी तरीके से किसी बंदे को वन टैप मार पाते हो। आज की इस वीडियो में आपको डिजिट ईगल से वन टैप शॉट मारने कुछ ऐसे सीक्रेट ट्रिक के बारे में बताने वाला हूँ, जिसका तुम अगर यूज करोगे तो आप लोग फ्री फायर के अंदर किसी भी स्क्वाड को एक साथ वाइप आउट कर सकते हो। तो चलो गाइस, बिना किसी टाइम वेस्ट के हम करते हैं वीडियो को स्टार्ट। लेकिन उससे पहले आज की इस वीडियो में 200 डायमंड का गिव अवे और चला जाएंगे। आप में से दो रैंडमली बंदों को मेरी तरफ से 100-100 करके डायमंड है वो दूंगा। तो अगर आप लोग गिव अवे में पार्टिसिपेट करना चाहते हो या फिर फ्री में 200 डायमंड जीतना चाहते हो, तो उसके लिए आपको सिंपली कुछ नहीं करना, आज की इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाना है। कमेंट बॉक्स में जाके आप लोगों को बस अपनी यूआईडी साथ एक मैसेज डाल देना, तो आप में से दो रैंडमली बंदों को 100-100 करके डायमंड है वो मिल जाएंगे। तो चलो गाइस, सबसे पहले हम बात करते हैं ट्रिक नंबर 1 के बारे में बात। तो अभी मैं आपको जो कुछ भी बोलने वाला हूँ या फिर जो कुछ भी दिखाने वाला हूँ उसको थोड़ा ध्यान से देखना और ध्यान से समझना है। पहले नंबर की जो ट्रिक है वो है आप लोगों की गन रिकॉल, यानी अगर आप लोगों की गन फ्री फायर के अंदर रिकॉल खाते तो आप लोग उसे किस तरीके से कंट्रोल कर सकते हो। तो जब आप लोग डिजिट ईगल गन का यूज करते हो तो उस टाइम पे आप में से 90% बंदे हमेशा एक गलती करते हैं कि आप लोग नॉन स्टॉप फायर करते हो। तो मेरे भाई देखो, आप लोग अगर किसी भी गन से नॉन स्टॉप फायर करोगे तो उस टाइम पे आप लोगों की गन के रिकॉल होने के चांस 90% तक बढ़ जाते हैं। तो भाई आज से जब भी आप लोग डिजिट ईगल गन का यूज करो तो उस टाइम पे आप लोगों को नॉन स्टॉप जो फायरिंग होती है उसको अवॉइड करेंगे। आप लोगों को एक बार में एक ही शॉट मारना, उसके तुरंत बाद आप लोग को अपनी गन को स्विच कर लेना, देन उसके बाद वापस से एक शॉट मारना, देन उसके बाद तुरंत आप लोग को अपनी गन को स्विच कर लेना है। अब यहाँ पर सिंपली कहने का मतलब ये है कि जब भी आप लोग कोई भी वन टैप वाली गन यूज करो, ये नहीं कि आप लोग को डिजिट ईगल से मतलब है, कोई भी वन टैप वाली गन यूज करते हो, कोई सी भी गन यूज करते हो, उस टाइम पे आप लोग किसी भी गन से लगातार फायरिंग नहीं करनी है। तो ये तो आप लोग की गन को रिकॉल करने की पहली ट्रिक। अभी हम बात करते हैं सेकंड और सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट ट्रिक के बारे में बात, जिसका तुम अगर यूज करोगे तो आप लोगों के गन का रिकॉल बहुत हद तक कम हो जाएगा। सेकंड वाली ट्रिक के लिए आपको सिंपली अपना फ्री फायर गेम है उसे ओपन कर लेना। जैसे आप लोग फ्री फायर गेम को ओपन करोगे, यहाँ पर आप लोग कैरेक्टर वाले सेक्शन के अंदर आना है। आप कैरेक्टर वाले सेक्शन के अंदर आप लोग तीन कोई से भी कैरेक्टर यूज कर सकते हो, लेकिन यहाँ पर जो मैं चौथा कैरेक्टर बता रहा हूँ उसे आप लोगों को हमेशा यूज करना ही करना है। यहाँ पर मैं जिस कैरेक्टर के बारे में बताने वाला हूँ उस कैरेक्टर की मैं आपको एबिलिटी भी बता दूंगा कि आप लोगों को ये वाला कैरेक्टर यूज क्यों करना है। तो भाई जिस कैरेक्टर का मैं नाम ले रहा हूँ उस कैरेक्टर का नाम है डीबी कैरेक्टर। अब डीबी कैरेक्टर की एबिलिटी ये होती है कि जब भी आप लोग जॉयस्टिक का यूज करते टाइम फायरिंग करोगे, देखो आप में से 90% बंदे ऐसे होते हैं जो कि जॉयस्टिक का यूज करते ही करते हैं। तो भाई अगर आप लोग जॉयस्टिक का यूज करते टाइम फायरिंग करोगे तो उस टाइम पे आप लोगों की जो एक्यूरेसी होती है उसको ये 60% तक बढ़ा देगा और आप लोगों की जो मूवमेंट स्पीड होती है उसको ये 30% तक इंक्रीज कर देगा। फ्री फायर के अंदर किसी भी बंदे को मारने के लिए आप लोगों को दो चीजों की जरूरत पड़ती है, पहली तो होती है आप लोगों की एक्यूरेसी और दूसरी होती है आप लोगों की मूवमेंट स्पीड, और डीबी कैरेक्टर आप लोगों को ये दोनों चीजें देगा। तो ये तो आप लोगों के पहले नंबर की ट्रिक। अभी हम बात करते हैं सेकंड ट्रिक के बारे में बात, कि अगर आप लोग किसी भी बंदे को डिजिट ईगल से ओनली और रेड नंबर मारने तो उस टाइम पे आप लोगों को सेकंड ट्रिक कौन सी फॉलो करनी है। अभी मैं आपको जो कुछ बोलूं पहले उसको सुनना है, देन उसके बाद आप लोगों को पूरा का पूरा समझ में आ जाएगा, देन उसके बाद आप लोग गेम में जाके वो ट्राई करना है। तो भाई सेकंड नंबर की जो ट्रिक है वो है आप लोगों की सेंसिटिविटी। अब आप में से बहुत सारे बंदे गलती क्या करते हैं कि आप लोगों ने बस एक बात समझ रखी है कि अगर हम अपनी सेंसिटिविटी को 100 पर करके रखेंगे तो हमारे ओनली ऑन रेड नंबर पड़ेंगे, लेकिन भाई ऐसा बिल्कुल भी नहीं ठीक है। अगर आप लोग अपनी सेंसिटिविटी को 100 पर करके रखते हो तो उस टाइम पे आप लोगों के हेडशॉट नहीं पड़ते हैं। आप लोगों को सिंपली आज से एक छोटा सा काम करना है कि सबसे पहले आप लोगों को ट्रेनिंग ग्राउंड के अंदर जाना है और वहां पर जाके आप लोगों को किसी भी बंदे पर फायरिंग करनी है। उसके बाद आप लोगों को देखना है कि आप लोगों को जो एम होता है वो कितना ज्यादा हवा में फायर हो रहा है, कितना ज्यादा आप लोग उसे कंट्रोल कर पा रहे हो। अगर आप लोगों को लगे कि मेरा एम बहुत ज्यादा हवा में फायर हो रहा है या फिर मैं बंदे के हेड पर एम कनेक्ट नहीं कर पा रहा हूँ, तो उस टाइम पे सिंपली आप लोग एक छोटा सा काम करना है कि आप लोग की जो जनरल सेंसिटिविटी होती है उसे आप लोग को 90 से लेकर 95 तक के बीच में रखना है। अब देखो यहाँ पर मैंने आपको बोला कि 90 से लेकर 95 तक के बीच में रखना है, ठीक है। आप लोग कहीं 95 प्लस रख लो कि 96 कर लिए, 97 कर लिए, ऐसा नहीं करना है। आप लोग को 91, 93, 94, 95 तक ही जाना है, उससे ऊपर आप लोग को नहीं जाना है। अब उसके बाद आप लोग को सिंपली एक छोटा सा काम और करना है कि जितनी आप लोगों की जनरल सेंसिटिविटी होती है उतनी आप लोग को रेड डॉट सेंसिटिविटी रखनी है। जैसे अगर आप लोग की जनरल सेंसिटिविटी 91 है तो आप लोग को रेड डॉट सेंसिटिविटी को 91 कर देना, अगर आप लोग की जनरल सेंसिटिविटी 95 है तो आप लोग को रेड डॉट सेंसिटिविटी को 95 पे सेट कर देना है। तो ये तो आप लोगों की सेकंड ट्रिक। अभी हम बात करें तीसरी और सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट वन टैप ट्रिक के बारे में बात, लेकिन उससे पहले मैं तुम सभी से एक छोटी रिक्वेस्ट है कि यार देखो एक वीडियो को बनाने में बहुत ज्यादा मेहनत लगती है और मैं आपको ए से लेकर जेड तक पूरा को पूरा एक्सप्लेन करके समझाता हूं। इसके बदले मेरे को बस आपसे आपका थोड़ा सा सपोर्ट चाहिए। तो मेरे भाई अगर आप लोगों ने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक वाला बटन दबा देना, चैनल पर अगर आप नए चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर
सेट कर देना। तो यार देखो ये बात तुम सभी को पता है कि ना तो लाइक करने के पैसे लगते हो ना ही सब्सक्राइब करने के पैसे लगते हो। नीचे साइड देखो आपको एक रेड कलर का सब्सक्राइब वाला बटन दिख रहा होगा, सिंपली बस आपको उस पर प्रेस करना है। जैसे ही आप लोग उस पर प्रेस करोगे आप लोग हमारी फैमिली का एक न्यू मेंबर बन जाओगे। तो चलो भाई अभी हम बात करें तीसरे नंबर की ट्रिक के बारे में बात। तो भाई तीसरे नंबर की जो ट्रिक है वो है आप लोगों के फ्लोटिंग की साइज। अब देखो आप में से बहुत सारे बंदे गलती क्या करते हैं कि आप लोग अपने फ्लोटिंग की साइज को या तो बहुत ज्यादा बड़ा करके रखते हो या फिर आप लोग अपने फ्लोटिंग की साइज को बहुत ज्यादा छोटा करके रखते हो। आप में से बहुत सारे बंदे ऐसे भी होंगे जिनको एक परफेक्ट फ्लोटिंग की साइज के बारे में नहीं पता है। तो भाई देखो इसके लिए आपको सिंपली कुछ नहीं करना। अगर आप लोगों के मोबाइल की स्क्रीन की साइज छोटी है, बड़ी है, मीडियम है, लार्ज है, कैसी भी हो, आप लोगों को सिंपली अपने फ्लोटिंग की जो साइज होती है आप लोगों को 45 से लेकर 50 तक के बीच में रखना है। उसके बाद आप लोगों को 10 या 15 गेम खेलने देना। उसके बाद तुम खुद ही देख लेना कि आप लोगों के पहले से बेटर हेडशॉट और बन टैप पड़ रहे हैं। अगर आप लोगों को भी फ्री में 2000 डायमंड चाहिए तो उसकी जो लिंक है वो मैंने कमेंट बॉक्स में पिन कर रखी, तो उस वीडियो को भी जाके एक बार देख लेना। लेकिन जाते जाते लाइक और सब्सक्राइब वाला बटन दबा देना क्योंकि यार बहुत मेहनत लगती है एक वीडियो को बनाने में। अभी के लिए बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट टॉपिक के साथ।